यकीनन आप यही सोच रहे होंगे आलू के पराठों को परफेक्ट और मज़ेदार कैसे बनाया जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू का पराठा बनाते समय जो भी प्रॉब्लम फेस आती है, जैसे स्टफिंग बाहर आ जाती है या फिर डो ठीक नहीं बनता, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप एक परफेक्ट और टेस्टी आलू का पराठा बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि एवरी वीक आपको मेरे चैनल की अपडेट मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में अराउंड 4 बॉल पोटैटोज़ को ग्रेट कर लिया है। मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ है ये। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्मॉल साइज़ का चॉप्ड अनियन, 1/4 कप ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर, फ्यू मिंट लीव्स अराउंड 7 to 8। अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जो पराठे को चटपटा और टेस्टी बनाएंगे। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसे और भी चटपटा बनाना है तो आप इसमें 1/2 लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है। ये देखें, इस तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि सारे पराठों में इक्वली स्टफिंग हो। जितना हम रोटी बनाने के लिए डो लेते हैं उतने ही साइज़ के हमें ये बॉल्स बनाने हैं। ये देखें, ये रेडी है। नेक्स्ट जो अब मैं रेडी कर रही हूँ वो है पराठे का डो। तो मैं यहाँ एक बाउल में 1 कप व्हीट फ्लार डाल रही हूँ यानी कि गेहूँ का आटा, 1/2 कप प्लेन फ्लार, मैदे का आटा। मैदे का आटा डालने से डो एकदम स्मूथ बनेगा, पराठा बेलते समय स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगी। अब मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे पराठा क्रिस्पी बनता है। अब इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ऑयल और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को नीट कर लेंगे। ये अराउंड मैंने 1/2 कप पानी लिया है। डो को ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। इसे मैं 5 मिनट्स तक नीट करूँगी। ये देखिए, इसे मैंने नीट कर लिया है। जितना आप इसे अच्छे से नीट करेंगे उतना ही आपका डो अच्छा रेडी होगा। इसे अब मैं कवर कर दूँगी अराउंड 10 मिनट्स तक। एक वेट क्लॉथ ले लिया है मैंने, इसे मैं कवर कर रही हूँ। इससे ये होगा कि डो आपका अच्छे से सेट और स्मूथ हो जाएगा। टेन मिनट्स के बाद मैं डो को चेक कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। जस्ट फॉर अ मिनट इसको नीट कर लेंगे। अब इसके भी मैं बॉल्स बना लूँगी। जितना हम चपाती के लिए डो लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि नॉर्मली पराठे चपाती से बड़े होते हैं। ये देखें, एक एक करके मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ। तो लीजिए, अब ये रेडी है। डो को और स्टफिंग को इस तरह से पहले से प्रिपेयर करने से पराठे बनाते समय काफ़ी इजी हो जाता है, प्लस कम समय में पराठे तैयार हो जाते हैं। डो और स्टफिंग दोनों रेडी हो चुका है, तो चले अब हम पराठा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डो ले लिया है। थोड़ा सा पहले हम सूखा आटा लेंगे और इस तरह से डो को प्रेस करेंगे और फिर अपने फिंगर की मदद से इस तरह से डो को पूरी के शेप में बना लेना है, जितने साइज़ के हम पूरी बनाते हैं उतने ही साइज़ का। देखें, अब मैंने यहाँ पे स्टफिंग ले लिया है। पहले हम इस तरह से दो एंड्स को जॉइन करेंगे, फिर ये जो मज़ीद दो एंड्स है उसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे और फिर जो बाकी के एंड्स जो ओपन हैं उसको इस तरह से देखें कवर कर लेना है और सारे एंड्स को सेंटर में ला के प्रेस कर देंगे। ये देखें, और फिर अगेन अपने फिंगर की मदद से इस तरह से पूरी के शेप में इसे बना लेना है पहले, और फिर रोलिंग पिन को लेके
इसे बेलना शुरू करना है। पराठे को बेलते समय आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है बेलन को, चारों तरफ आपने इक्वली प्रेशर देना है। ये देखें स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है, आपको लाइट हैंडेडली पराठे को बेलना है। स्टफिंग इस तरह से हल्की हल्की नज़र आने लगे, इट्स मीन के पराठा बेल चुका है और इसे मज़ीद बेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक और पराठा बेल के बता रही हूँ आपको। देखें उंगलियों की मदद से इस तरह से आपको पूरी की शेप में से पहले बनाना है और फिर स्टफिंग लेके इसे इस तरह सेंटर में रखना है और फिर चारों एंड्स को पहले सेंटर में लेकर आके और फिर जो मज़ीद चारों एंड्स हैं उसे इस तरह से सेंटर में लाके प्रेस कर देना है। ये देखें इससे स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी और ये बहुत ही इजी तरीका है पराठा बेलने का। देखें अब इसे फिंगर की मदद से फ्लैट कर लें और फिर हल्के हाथ से इसे बेलना शुरू करें। आप देख सकते हैं मैं कितने इजीली ये पराठा बेल रही हूँ। आप चाहे तो बेलन को यूज़ ना करते हुए फिंगर की मदद से भी पराठे को फ्लैट कर सकते हैं। ये देखें अब स्टफिंग नज़र आने लगी है, तो अब ये पराठा भी रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलें अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तवे पे। तवे को मैंने पहले ही मीडियम हीट पर रख लिया था। आप जब पराठा बेल रहे हों उसी समय आपने तवे को मीडियम हीट पर रख लेना है, ठंडे तवे पे आपने इसे नहीं रखना, अदरवाइज़ पराठा बहुत ही हार्ड हो जाएगा। जब इस तरह से पराठे का कलर चेंज होने लगे ऊपर से, डेट्स मीन के पराठा नीचे से सिक चुका है। ये देखिए अब मैं इसे टर्न करूँगी, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुका है। आपने मीडियम हीट पे ही पराठे को पकाना है, अदरवाइज़ फुल हीट पे पराठा जल जाएगा। अब मैं इसमें ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, आप घी भी अप्लाई कर सकते हैं। पराठे को चारों तरफ से इस तरह प्रेस करके आपने दूसरी साइड से भी इसे सेक लेना है और फिर इसमें ऑयल या घी अप्लाई कर दें। हमें पराठे को इस तरह से प्रेस करते रहना है ताकि इक्वली ये हर तरफ से सेक जाए। आप देख सकते हैं पराठा भी काफ़ी अच्छे से फूल रहा है। अब मैं इसे एक टिश्यू टॉवल पर निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू टॉवल एब्जॉर्व कर लें। एक और पराठा मैं आपको यहाँ पर फ्राई करके दिखा रही हूँ। पराठा नीचे से जब लाइट गोल्डन या लाइट ब्राउन हो चुका है तब मैं इसे टर्न कर रही हूँ और इसमें ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। तो परफेक्ट पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आपने डो को अच्छे से नीट करना है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है अराउंड 10 मिनट्स तक। उसके बाद आपने स्टफिंग और डो के बॉल्स बना लेने हैं ताकि पराठा ईजिली और क्विक वे में बन जाए। देन फिर आपने स्टफिंग को डो में रख के उसके जो सारे साइड्स हैं उसे अच्छे से क्लोज करना है और फिर फिंगर की मदद से एक पूरी का शेप बना लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे बेलना शुरू करना है। अगर आप इस तरीके से आलू का पराठा बनाएंगे तो पराठे परफेक्ट और फूले फूले बनेंगे। ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेथड आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव रहा। तो देखें अब ये सेकेंड पराठा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ पे सारे पराठों को मैंने डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़े के बने हैं ये पराठे। आप इसे किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसे ब्रेकफास्ट पे ही खाएं, डिनर और लंच के लिए भी ये परफेक्ट डिश है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अपने लाइक एंड कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।